हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये आज की जो रेसिपी होने वाली है वो है एकदम क्विक रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं प्याज और चीज़ के पराठे। आलू के पराठे खाए होंगे, पनीर के पराठे खाए होंगे, तो ये भी खा ही लो, इसमें क्या बुराई है। एकदम सिंपल रेसिपी है, वीडियो भी आप देख सकते हैं, 3 से 3.5 मिनट की वीडियो है, तो देखिएगा पूरा। चलिए बनाते हैं आलू, मतलब कौन सा पराठा है, हाँ प्याज चीज़ के पराठे। तो सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। तो आटा गूंदने के लिए मैंने ले लिया है 200 ग्राम आटा और 1 चम्मच गेहूं का आटा है। 1 चम्मच ऑयल इसमें डाल दिया है, शुद्ध गेहूं का आटा है। 2 चुटकी इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये तो आपको करने आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि फिर आप बोलेंगे बताया नहीं मैंने। तो थोड़ा सा टाइट आटा गूंद लेना, सख्त आटा, पराठों के लिए जैसा आटा गूंदते हैं। और बस वही वाली बकैती, 10 मिनट के लिए रेस्ट, जो आपको पता है। और अब मेन कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसमें है मोज़रेला चीज़, कद्दूकस किया हुआ 100 ग्राम, 1 प्याज चॉप किया हुआ, ढेर सारी हरी मिर्च, 3 से 4 हरी मिर्च है चॉप की हुई, और 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया है चॉप किया हुआ। इन सारी सामग्रियों को यहीं पे हम एकत्रित कर देंगे। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, और ये क्या डाल दिया मैंने, अजवाइन डाला है 2 चुटकी, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है। इससे कलर तो अच्छा आएगा, ये स्पाइसीनेस भी काफ़ी अच्छी आ जाएगी। और नमक मैंने नहीं डाला है क्योंकि चाट मसाला में नमक है और चीज़ में भी नमक है, इसलिए मैंने नहीं डाला। आपको डालना है तो डाल सकते हैं, मेरा क्या जाता है। इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेना है, क्योंकि खाते खाते मेरे मुँह में पानी आ रहा है। ओह वाह, तो थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेना, आप भी कर सकते हैं। इसे साइड में रखेंगे। ये मेरा आटा आ चुका है, इसमें से हम 2 डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 पराठे बनाएंगे। तो 2 एक पली डिवाइड कर दिए हैं मैंने, और 1 लोई लेनी है, इसे गोल गोल कर देना है, इसकी कटोरी बनानी है, जैसा कि आप लोग को पता है ना, पता, सच बताना पता है कि नहीं, कमेंट में लिखना पता था कि नहीं। और इसमें ढेर सारा ये मिक्सचर भर देना है, जितना आप घुसेड़ सकें इसमें, ऐसे दबा दबा के भर दीजिएगा, फटेगा नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। सील कर देना है आपको, इसे मोतियों की तरह ऐसे पिरो पिरो के सील करना है। इसकी ठुट्टी इसी के अंदर दबा देनी है, बहुत लोग निकाल लेते हैं लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो ठुट्टी इसी में दबा देनी है। सूखा आटा छिड़कना है, पहले हाथों से जितना हो सके फैला लेना है। अगर ये पराठा हाथों से ही बनता है तो बना सकते हैं आप, लेकिन जितना हो सके फैला लेना है। फिर बेलन से हल्के हाथों से कॉर्नर के साइड से बेलेंगे, मतलब सेंटर से भी बेल सकते हैं। जितना हो सके मैंने इसे फैला लिया, मतलब कि बेल लिया है, ज़्यादा मत बेलिएगा वरना ये फट जाएंगे। एक्स्ट्रा आटा ऐसे आपको छाड़ देना है। और ये लीजिए पराठा तैयार है हमारा, तवा भी गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम ये पराठा डाल देंगे। वाह जी वाह। और पराठा को सेकना है 1 मिनट तक, और फिर आपको पता है फिर से इसे फ्लिप कर देना है। फ्लिप करने के बाद इसके ऊपर हम घी अप्लाई करेंगे। देखिए पराठा है तो घी बनता है, अगर ऑयल में बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, घी या बटर है कि नहीं। तो अच्छी तरह से लगा लेंगे हम इसके ऊपर, और फिर से इसे फ्लिप कर देंगे, और दूसरी तरफ भी आपको घी ही लगाना है, तेल थोड़ी लगाएंगे, हैं, घी है भाई, शुद्ध देसी घी है। अच्छी तरह से आपको ये लगाना है घी, और कुछ नहीं करना, जैसे आपको पता है पलट पलट के, अलट पलट के इसे दबा दबा के सेकना है, जब तक कि बढ़िया सा ब्राउन कलर, धब्बे ऐसे धब्बे ना आए ना, जब तक पराठों में मज़ा नहीं आता। और पराठा तैयार है, मैंने इसे सर्व कर लिया है हरी चटनी के साथ, और मैंने इसे उधेड़ भी दिया है ताकि आपको देखने में लगे कि पराठा सच में अच्छा बना है, वरना आप लोग यकीन नहीं मानेंगे और बिना लाइक किए हुए चले जाएंगे। सच में ऐसा करने वाले थे क्या, लाइक नहीं करने वाले थे क्या? अरे कर दो यार, इतनी मेहनत करता हूँ मैं। अगर नहीं करना चाहते तो बताना कि क्यों नहीं करना चाहते हैं, कमेंट में लाइक क्यों नहीं करना चाहते, अच्छी नहीं लगी रेसिपी। हाँ तो प्लीज़ करिएगा और ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए रेसिपी के साथ, तब तक घर का बनाइए और घर का खाइए।